हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि NICHE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है NICHE 2020 दी आई एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको NICHE से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे न्यू टैब में जो है आप ओपन हो गए हैं। यहाँ पे दिया गया NICHE एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे 17 दिसंबर को इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका था। एंड देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड देन आपको ग्रेफिक काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कांटेक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन आए सके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका, क्लिक किया टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे NICHE के। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर लोडिंग हो रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है नूरुल इस्लाम सेंटर ऑफ हाई एजुकेशन एडमिशन पोर्टल, यहाँ पर्चल यहाँ पे इसको जो है फुल फॉर्म है। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आपसे आपको सबमिट, यहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना रहेगा जैसे कि आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, देन यहाँ पे एड्रेस स्ट्रीट, फिर यहाँ पे प्लेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है एंड देन यहाँ पे पिन कोड डालना है, फिर आपको स्टेट आपको डालना है आप कौन से स्टेट से हैं एंड देन यहाँ पे नेशनलिटी आपको क्या है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं आप इंडिया डाल दिए, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना, फिर सेकंड मोबाइल नंबर डालना रहेगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना, फिर आप सेक्शन डालना है आप मेल है या फीमेल है, देन यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ डालना है आप कब बॉर्न हुए थे, फिर यहाँ पे कम्युनिटी मतलब यहाँ पे ST SC MSC बहुत सारे यहाँ पर दिए गए, फिर यहाँ पर रिलीजन आप अगर हिंदू हैं मुस्लिम जो भी हैं आप आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा, फिर यहाँ पे कोर्स अप्लाई फॉर आप कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना डिसिप्लिन एंड यहाँ पे फिर सबमिट नाउ पे क्लिक करना रहेगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपना फिल करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। देन आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी रहेगी, आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड देन आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड देन आपको 10th का मार्कशीट एंड देन आपको